हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट सेक्रेट इंटरनेशनल। तो आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट टाइप की वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपके लिए कनाडा के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जो कनाडा की रिफ्यूजल है उसके पीछे रीजन क्या है, व्हाई कनाडा इज रिफ्यूजिंग सो मेनी स्टूडेंट्स दीस डेज, व्हाई, व्हाट आर द रीजंस, हाउ टू इम्प्रूव इट एंड व्हाट काइंड ऑफ फाइल्स, व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस आर गोइंग टू बी अप्रूव्ड इन अपकमिंग डेज। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। और अगर आप अपना वीजा अप्लाई करना जा रहे हैं कनाडा के लिए, तो मैं बताने जा रहा हूं कि आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर आपको वेट करना चाहिए। सो एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर दबा दे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कनाडा आज की डेट में बहुत ज्यादा रिफ्यूजल दे रहा है, स्पेशली स्टूडेंट वीजा की रिफ्यूजल बहुत ज्यादा आ रही है। बट मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूं कि वो कौन से ऐसे कैटेगरीज हैं जिनकी रिफ्यूजल ज्यादा आ रही है। यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ द कनाडा, और अगर आपके ड्रीम कंट्री है कनाडा तो आपको अपना वीजा लगाने से रुकना नहीं चाहिए। बट कुछ चीजें ऐसी है जिनका आपने ध्यान रखना है वीजा अप्लाई करने से पहले, और इस वीडियो में आपको वो बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कौन सी ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिनको कनाडा रिफ्यूज कर रहा है। सो जो रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ देम आर वी प्रोफाइल। ओके, जो आज की डेट में रिफ्यूजल्स हैं, किसी के बैंच कम है ईच में, लाइक कनाडा डिमांड्स इन केस ऑफ एससीएस इट डिमांड्स 6 बैंच ईच। तो कुछ प्रोफाइल्स ऐसी हैं जिनमें एक में 5.5 है, और या फिर उनका गैप ज्यादा है, या फिर उनकी जस्टिफिकेशन अच्छे से नहीं हो रही, या फिर उन्होंने कोर्स ऐसा लिया है जो उनकी प्रोफाइल से डिफरेंट है। तो मोस्ट केसेस में एक चीज हमने जो सिमिलर देखी है वो है कि वो जो एडमिशन ले रहे हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में ले रहे हैं, बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस में फीस कम होती है। ज्यादातर कैंडिडेट्स चूज कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस, और प्राइवेट कॉलेजेस में जो इनटेक्स हैं वो ज्यादा होते हैं कंपेयर टू पब्लिक यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस। तो एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जब भी आप अपनी जो इनटेक सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर अपना प्रोफाइल लगा रहे हैं, तो आप अपनी प्रोफाइल को अच्छे से स्टडी करें। आज की डेट में पब्लिक में बहुत ज्यादा रूमर्स फैल रहे हैं कि जो कनाडा है अब उसको स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि कनाडा जो है वो जानबूझ के आपकी प्रोफाइल्स को रिफ्यूज कर रहा है। सो आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि क्या ऐसा सच है, क्या कनाडा को सच में स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं है। सो लेट मी टेल यू अबाउट इट। देखो, मोस्ट ऑफ यू माइट नो इट कि कनाडा जो है बहुत बड़ा देश है, उसको इमिग्रेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज उसकी जो उसका जो देश है वो बहुत बड़ा है, बट उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। सो इन ऑर्डर टू मेक द ग्रोथ ऑफ द कंट्री इट नीड्स पॉपुलेशन। तो अब आप बात करते हैं कि क्या कनाडा को स्टूडेंट्स चाहिए। किसी भी कंट्री का इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होते हैं, उस स्टूडेंट से उनकी कंट्री को ग्रोथ होती है मॉनिटरली भी। मॉनिटरली कैसे, जब आप अप्लाई करते हो उनके एम्बेसी को फी जाती है, जब आप उनकी यूनिवर्सिटीज को फी पे करते हो लाखों के हिसाब से उनकी कंट्री में पैसे जाते हैं। सो इन दिस वे उनका इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है। और दूसरी तरफ से जब इन कंट्रीज में, ऐसी कंट्रीज में जो है लेबर की बहुत जो शॉर्टेज रहती है, तो जब भी स्टूडेंट जाता है तो उनको लेबर अच्छे क्वालिफाइड लेबर उनको अच्छे से मिलती है, बिकॉज अब यहां से स्टूडेंट वहां पढ़ने जाता है, उनकी स्टडीज के अकॉर्डिंग वो स्टडी करता है, देन वो वहां पे वर्क करता है। सो व्हाट दे गेट क्वालिफाइड लेबर। और आज की तारीख में जो रूमर्स फैल रहे हैं कि कनाडा को स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं है, ये पूरा गलत है, सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। कनाडा स्टिल नीड्स स्टूडेंट्स बिकॉज इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द कंट्री। बट एक चीज इसमें गौर तलब है, वो क्या है कि अब जो कनाडा है वो अच्छी प्रोफाइल्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। अच्छी प्रोफाइल्स इन द सेंस जिनके बैंड अच्छे हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, जिनका गैप कम है, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं और अच्छे कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हैं। ये नहीं कि एक साल का डिप्लोमा ले लिया, दो साल का डिप्लोमा ले लिया, अच्छी डिग्रीज में अप्लाई कर रहे हैं, उनकी चांसेस ज्यादा है। और जो लोग प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे थे आज से पहले, प्लीज ऐसा ना करें। प्राइवेट कॉलेजेस के जो कैंडिडेट्स हैं उनके रिफ्यूजल बहुत ज्यादा आ रही है। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक की ऐसी आ रही है, बट ज्यादा केसेस में प्राइवेट कॉलेजेस की रिफ्यूजल ज्यादा आ रही है। मेक श्योर कि आप जब भी अपने प्रोफाइल को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें या फिर पब्लिक कॉलेज में अप्लाई करें जिनकी फीस एटलीस्ट $35,000 हो।
सो डेट कि उनकी कंट्री को जो जो उनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया है जो उनके माइंड में है दे शुड गेन गेट सम इनकम फ्रॉम सच स्टूडेंट बिकॉज ऑल दो कि उनको बहुत ज्यादा डिमांड है बट इवन देन कि आज से पहले बहुत ज्यादा लोग वहां पे चले गए हैं सो अभी उनको सिर्फ अच्छे कैंडिडेट्स चाहिए जो उनकी कंट्री को और ज्यादा ग्रोथ की तरफ लेके चले। सो अगर आप अपना अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दबाजी ना करें, अच्छे बैंड स्कोर लेके जाएं, एटलीस्ट 6 बैंड ईच हो, ओवरऑल भी 6 हो, अगर इससे ऊपर लेके जा सकते हो इट्स वेल एंड गुड। एंड जल्दबाजी में कभी भी कोई प्राइवेट कॉलेज ना अप्लाई करें नेक्स्ट अपनी फाइल में बिकॉज ये अपनी आपकी फाइल को और ज्यादा वीक करता है। एसडीएस में अप्लाई करें, एसडीएस में अपने बैंड स्कोर लें, अच्छे डीएलए कॉलेजेस में अप्लाई करें, अच्छे कोर्स को सिलेक्शन करें। और कोर्स सिलेक्ट करते समय ऐसा नहीं है कि यू कैन गो फॉर द डिप्लोमा, व्हाट एवर यू कोर्स सिलेक्ट इट शुड बी गोइंग टू अपर लेवल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्लस टू है प्लस टू के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा आपने कर लिया उसके बाद फिर से डिप्लोमा नहीं लेना, आप डिग्री लें, ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली देन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले, मतलब कि वो सक्सेसिव रेट पे होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप पहले डिग्री कर ली देन आप डिप्लोमा जा रहे हो। मेक श्योर कि आप कोर्स सिलेक्शन को बहुत अच्छे से चूज करें और आप अपने जो अपनी जो प्रोफाइल है अपनी प्रोफाइल पे अच्छे से खुद से स्टडी करें, इवन दो कि आप अपने एजेंट से लगवा रहे हैं बट स्टिल यू नीड टू स्टडी योर प्रोफाइल। तो बात करते हैं व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ द कनाडा इमिग्रेशन और स्पेशली स्टूडेंट वीजा। फ्यूचर में कनाडा स्टिल विल बी गिविंग वीजा टू द स्टूडेंट्स, और वो कौन से स्टूडेंट्स होंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो स्टूडेंट कनाडा जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, अभी उनकी स्टडी चल रही है या फिर आइल्स कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपकी जो एकेडमिक स्कोर हो वो हाई हो कम ना हो फॉर टू मेक योर फाइल स्ट्रॉन्ग बिकॉज कनाडा विल बी गिविंग वीजा टू द स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स ओनली इन द फ्यूचर। आपकी जो एकेडमिक स्कोर हो अच्छी, एटलीस्ट आप अगर स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हो 80% 70% इससे नीचे ना हो, ओके आप आई स्कोर अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट 6 बैंड्स ईच होनी चाहिए अगर आप प्लस टू के बाद अप्लाई कर रहे हो, अगर ग्रेजुएशन के बाद इससे भी ज्यादा होनी चाहिए, आपका गैप कम होना चाहिए, आपकी जो एडमिशन है वो प्राइवेट कॉलेजेस में ना हो, अच्छे वेल नोन यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में स्पेशली पब्लिक में होना चाहिए। आप जो कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो उसकी फीस एटलीस्ट $35,000 हो ईयरली सो डेट कि उनकी कंट्री को भी फायदा हो आपके वहां पे जाने पे। एंड अगर आप कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द वीडियो आपकी जो कोर्स सिलेक्शन है वो सक्सेसिव होनी चाहिए। आप अगर डिप्लोमा किया है तो डिग्री की तरफ जाएं, अगर प्लस टू किया है तो डिप्लोमा कर सकते हैं डिग्री कर सकते हैं, अगर डिग्री ऑलरेडी किया है ग्रेजुएशन तो मास्टर्स की तरफ जाएं, ऑलवेज सिलेक्ट अ सक्सेसिव डिग्री सक्सेसिव कोर्स, ओके। ऐसी प्रोफाइल्स को जो कनाडा है स्टिल इट इज गिविंग वीजा और आगे भी ऐसी प्रोफाइल्स को वीजा देंगे ही देंगे फॉर श्योर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन, और अगर मेरे चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। So stay tuned with the channel. Thank you for watching this video. Stay fit and stay healthy.